हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो इस तरह से ये हमने छोले उबा लिए हैं। देखिए, इसमें रात को गला दिए थे हमने, अब ये हमने उबाल लिए हैं। और ये हमने टमाटर पीस लिए हैं, और जो है ये हमने प्याज है, प्याज को हम अच्छे से भून रहे हैं। देखिए इस तरह से ये हमने प्याज भूनी थी, इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए। ये देखिए हरी मिर्ची भी डाल, और हरी मिर्ची इसमें हमने पीस दी थी। और इसके बाद हम जब तक इन टमाटरों को भूनेंगे, जब तक इनका तेल ऊपर ना आ जाए, इस तरह से हमारा मसाला भी कच्चा नहीं रहेगा। और टमाटर भून के तैयार हो, ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके बाद हमें इसी में छोले डाल देने हैं। ये देखिए, हमने इसको ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करा है, इससे हमारी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। आप भून के भी डाल सकते हैं और नए से कच्चा भी डाल सकते हैं। और इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से घुमा लेंगे। अब इसमें हम नमक है, मिर्च है, ये स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक जब डालेंगे, जब पूरा हम इसको सामान को डाल देते हैं ऐड करके, इससे पता चल जाता है कितना सामान है हमारे पास। ये देखिए मैं छोले डाल दिए। देखिए हमारे छोले के बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम भटूरे की तैयारी करते हैं। अब हम भटूरे बनाना दिखाएंगे आपको। भटूरे बनाने जा रहे हैं, ये हमने दही इसमें ऐड करा है। इसके बाद हम ये इसमें ऑयल डालते हैं, रिफाइंड जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये खाना सोडा है, ये देखिए। ये हमने अच्छी तरह से इसको दही को और जो है ऑयल को हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम खाना सोडा डालते हैं। अगर आपके पास खाना सोडा नहीं होता है तो आप इन यूज कर सकते हैं। ये देखिए इतना हमने खाना सोडा डाला इसमें, ताकि हमारे भटूरे सही से बन सकें। फिर हम इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमें इसे आधा या एक घंटा मिक्स करके छोड़ देते हैं। मैदा बन के तैयार हो गया आटा, और इसको हम आधा घंटा एक घंटा के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी भटूरे अच्छे से फूल सकें। जितना देर रखेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। एक घंटा हो चुका है, ये देखिए हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम भटूरे की शेप बनाते हैं, इस तरह से इतना बड़ा आपको बनाना है। देखिए इतनी रोई लेते हैं, और ये हम बेल लेते हैं इस तरह से। एक घंटे के लिए हमने ये आटा मल के छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसको पूड़ी की तरह सेव दे दो या लंबा कर दो, आपको जैसा अवेलेबल लगता है। और ये देखिए अच्छे से फूल गया।